याद रखो, जब तक ज़ैनब को अकल नहीं आती घर में घुसने नहीं दूंगा। हाँ? जाने दो दरवाजा इन्हें, आज इन्हें अच्छी तरह पता चल जाएगा इस घर का मालिक मैं हूँ और मेरी चलेगी। रुको तुम यहाँ, एक दफा इनका दिमाग मैं ठीक कर ही दूं। दरवाजा खोलो। ये है इंस्पेक्टर साहब, दोनों ने मिलकर 6 महीने से किराया नहीं दिया, पागल बनाया हुआ है मुझे। ऐसे ऐसे कैसे निकालोगे? ये क्या हो रहा है? तो दिया था हमने किराया, शायद मालिक मकान है। हाँ, लेकिन इसके साथ पुलिस क्यों आई है? चले आपा देखते हैं। ये झूठ बोल रहा है, किराया तो हम दे चुके हैं, हमेशा वक्त पर देते हैं किराया। ऑफिसर, ये आदमी झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ। देखो सर, आपने ये मुझे झूठा कह रहा है। हाँ मैं मानता हूँ इस बार थोड़ी देर हो गई थी, लेकिन अब तो हम किराया दे चुके हैं, अब हमें कैसे निकाल सकते हैं? झूठ मत बोलो तुम, 6 महीने से टूटी कोड़ी नहीं दी तुमने, अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम लोगों को, निकलो यहाँ से। घर खाली करें। ये आप क्या बातें कर रहे हैं महमूद साहब? हमें जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करें, प्लीज आप इनका घर खाली कर दें। मैं नहीं करूँगा खाली, जो करना है कर लो, क्योंकि किराया मैं अदा कर चुका हूँ। एक नंबर के झूठे हो तुम। सर हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर है, ये देखें। अगर आपने घर खाली नहीं किया तो हम जबरदस्ती करवा देंगे। मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? बाबा आप अपनी हद में रहें। देख लिया ना सर आपने, ये मुझे धमकी दे रहा है, केस करूंगा मैं इस पर, मेरा खून भी जाऊंगा मैं इतना। छोड़े, मैं तो कहता हूँ सर इनके खिलाफ कंप्लेन लिखे आप। एक तो किराया नहीं दिया, ऊपर से हमला करता है। सीधे खड़े रहें, समझ गए, वरना जेल में डाल दूंगा। देखिए महमूद साहब, आप बात को समझने की कोशिश करें, मैं इन्हें किराया दे चुका हूँ। ये ऑर्डर कोर्ट का है, अगर आपने किराया दिया है तो कोर्ट में जाएं। फिलहाल तो ये घर खाली करना होगा। देखें ऑफिसर, मेरा यकीन करें, मैंने खुद किराए के पैसे अपने बेटे को उस दिन। मेरी जान कैसी हो? या अल्लाह, तुमने तो मेरी जान निकाल दी नादिर, तुम भी ना। तुमने मुंह क्यों लटकाया हुआ है? क्योंकि यहाँ बैठी मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब आ गया हूँ ना जान। मुझे यहाँ ठंड लग रही है बहुत। तुम मेरे पास आ जाओ, मेरी जान नहीं लगेगी तुम्हें ठंड। दूर रहो, कैसी हरकतें कर रहे हो? कोई बात नहीं, आज तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा। मुराद ने अब तक पैसे नहीं दिए क्या? उसी का तो दुख है। हो सकता है उसके पास पैसे ना हो। ऐसा नहीं है, उसने कहा वो देगा। उस पर प्रेशर डालो, कॉल करो उसे। बार बार कॉल करूंगी तो उसे शक हो जाएगा मुझ पर। अरे नहीं होगा शक उसे तुम पे, वो बेवकूफ खुद से ज्यादा तुम पे भरोसा करता है। कॉल करो उसे। ठीक है। उस लड़की को दिए ना तुमने पैसे? नहीं बाबा, मैं क्यों दूंगा उसे? मेरी तरफ देखो, मैंने तुम्हें 6 महीने का किराया दिया था उसे देने के लिए, और तुमने सारे पैसे उस लड़की पे लुटा दिए। बाला मैं क्यों लुटाऊंगा उस पे पैसे? बकवास मत करो, मेरी बात का जवाब दो। हाँ बताओ, उस लड़की को दिए ना पैसे? नहीं बाबा, नहीं दिए। हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसे किसी और को देने की? कैसे हिम्मत हुई? बाबा रुक जाए, फैसल बस करो और मत मारो उसे। किराए के पैसे थे वो, किराए के थे। मेरे पैसे उठा दिए, मेरे पैसे, तुम्हें जान से मार दूंगा मैं। बहुत अय्याशी कर ली तुमने, जान से मार दूंगा। बस करे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निकम्मे इंसान कैसे? फैसल बस करो। चलो मुराद उठ जाओ, उठो, शाबाश, चला गया वो।
मुराद तुम ठीक हो? शुक्रिया आपका। हाथ लाओ। आप दोनों ना होती तो वो मुझे जान से मार देते। बहुत शुक्रिया।